भगवान वाल्मीकि टाइगर फोर्स के प्रधान और उग्र समाज सेवी रिक्की भट्टी और गौतम लगातार नूर महल के आसपास के गांव और स्कूलों को सैनिटाइजर करके अपनी सेवा निभा रहे हैं ताजो इस कोरोना वायरस की भयानक बीमारी को रोका जा सके। आज सरकारी हाई स्कूल चूहे की में मैडम मिर्कला पाठक जी के कहने पर पूरा स्कूल सैनिटाइजर किया गया और स्टाफ की ओर से बहुत मान और हौसला अफजाई हुआ। रिक्की भट्टी ने बताया कि ये सेवा लगातार 52वें दिन भी जारी है। नूर महल से सोनू बहादुरपुरी के साथ रमन कुमार माही की ये खास रिपोर्ट। मैं सरकारी हाई स्कूल जो है कि दी एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैं जिस तरह की तो सारे जानते लोग कोरोना जी बीमारी चल रही है उस दे मद्देनजर रखते हुए साड़ी थोड़े जे किताबों की वंड लई सानू पेरेंट्स नू बुलाना पिया। उहदे लई स्कूल नू पहले सैनिटाइज करना बहुत जरूरी सी। मैं रिक्की भट्टी नू फोन किया तो मेरे एक ही फोन पर इन्हां ने आके इत्थे स्प्रे किया जिहड़ा कि इन्हां दा सी तहे दिलों पूरा स्टाफ ते मैं धन्यवादी हाँ। बच्चा बड़ा ही श्लाघायोग काम कर रहा है, रब इन्हू तरक्की होर देवे साडा आशीर्वाद। हाँ जी जय हिंद दोस्तों, जिवें कि तुसीं जानदे हो हर बार की तरह इस बार भी सानू सेवा का मौका मिलिया। अज जो कि पिंड चूहे की सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मिर्दला पाठक जो मैडम ने इतने उन्होंने सानू कॉल की, उन्होंने कॉल पर ही असी अस सानू सेवा का मौका मिलिया। पूरा स्कूल जिवें तुसीं देख सकते हो सैनिटाइज किया। मैं रिक्की भट्टी, मेरे नाल मेरा मित्र छोटा गौतम।